नमस्ते मित्रों, आयुलिंक वीडियो चैनल प्रोग्राम का नाम है पांचवा वेद और आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग गुजराती रेसिपी उंधियू की। बहुत लोगों ने पूरे इंडिया में गुजराती के साथ उंधियू शब्द लगा दिया है। सबको मालूम है कि गुजरात में ये बहुत पॉपुलर रेसिपी है और ये गुजरात के बाहर भी आजकल तो पूरे इंडिया में और पूरे विश्व में ये रेसिपी फेमस होती जा रही है। उंधियू का सीधा साधा मीनिंग है कि जो कुछ भी मिला वो सबको मिक्स करके, जैसे बेल बोलते हैं वैसे उंधिया भी वही चीज़ है। उंधिया में सब सब्जियां यूज होती है और सब्जियों को मिक्स कर किया जाता है। अब ये उंधियू जो है वो ज़्यादातर खाने की मजा अभी ये मानसून सीजन में, रेनी सीजन में, और जब फ्रेश वेजिटेबल्स ज़्यादातर मिलते हैं तो वो उंधिया में सब शामिल होता है। पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा फेमस उंधिया के लिए सूरत सिटी है। सूरत सिटी के नज़दीक में जो आसपास में जो फ्रेश वेजिटेबल्स है, टिपिकल जो गुजराती नाम से वालो, पापड़ी, वो शक्करिया, शक्करगंज, वो सब जो चीज़ें हैं वो सूरत के आसपास जो मिलती है और अभी मानसून में जो उगती है वो मिलाकर बॉईल किया जाता है। और ये बॉईल करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं आयुर्वेद की बात करने वाला आज ये रेसिपी की बात कहाँ से करने लगा, तो उसका एक रीज़न ये है कि मुझे आज सुबह ही इनविटेशन मिला है कि सूरत जाना है सैटरडे संडे, वैद्य मित्र तैयार रहो और सूरत जाकर हम क्या करेंगे, तो हम ये स्पेशल उंधिया बनाएंगे आपके लिए और आपको खिलाएंगे। अब ये जो स्पेशल उंधिया की बात रहती है तो वो तो ज़मीन के अंदर खड्डा करके मटकी के अंदर ये सब वेजिटेबल्स भर के वो लोग आसपास ऊपर ये काउडंस भर के आग लगाते और उससे ऑयल होता है और ये अलग से टेस्ट है, अलग से चीज़ है। लेकिन एक चीज़ बहुत जानी भी जाती है, लोगों को पता भी है कि ये उंधिया खाने से वायु की डिस्टर्बेंस रहती है। ये उंधिया बॉयल वेजिटेबल है, लेकिन ये उंधिया बहुत गैस करती है और गैस होने के बाद लोग उससे गालियां देते हैं। लेकिन सच्ची जो चीज़ है, सच्ची बात है, वो उनको पता नहीं है कि ये रेसिपी जब सूरत में जाकर आप खाते हैं तो सूरत में कभी भी बॉयल उंधिया नहीं मिलेगा। साथ में वो लोग वैसे बोल सकते हैं कि ग्लास भरकर तेल देंगे, जितना हो सके उतना उसमें तेल डाल के ही खाना है, या तो फिर उसके अंदर गार्लिक लहसुन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब आजकल के डाइटिंग वाले जो है तो बोलते हैं कि नहीं, बॉयल वेजिटेबल ही खाने हैं हम तो, और बॉयल वेजिटेबल कैलोरी कॉन्शियस पीपल है तो वो बॉयल वेजिटेबल पे ही पूरा दिन निकालते हैं। अब दो चीज़ आयुर्वेद ने बताई है, बहुत यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैं उंधिया की बात शुरू कर रहे करिए बयान। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नॉर्मली कंटेन्स वाटर एलिमेंट, उसमें जल तत्व है और आयुर्वेद ने हमेशा बोला है कि जल तत्व को मानसून की सीजन में, बारिश की सीजन में कम लिया करें। रेनी सीजन में हमेशा अग्नि मंद होता है, डाइजेशन वीक होता है और इसीलिए ये ऋतु में हर धर्म में फास्टिंग उपवास का महत्व बताया गया है। अब आप उंधिया की बात करते हैं, लो कैलोरी फूड है, हाँ अगर आप तेल नहीं डालते सिर्फ रेसिपी बनाते तब तो बॉयल ही करते हैं सबको, स्पाइसेस डालते हैं, लहसुन डालते हैं और सभी वेजिटेबल को बॉईल करते हैं। लेकिन अगर ऐसा आपने बॉईल ही सिर्फ खा लिया तो डेफिनेटली वो डाइजेशन में बहुत हैवी होगा और ये गैस करेगी, इसीलिए तो उसकी रेसिपी में लहसुन डाला गया है और इसीलिए उसकी रेसिपी में तेल भी उतना ही उपयोग करना बताया गया है। दूसरी बात यह है कि खाने पीने के जो शौकीन लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं जाकर ये नई रेसिपी या तो ये ओरिजिनल रेसिपी का टेस्ट पता है उनको तो वो ढूंढ लाते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ टेस्ट के लिए है, ऐसा भी नहीं है, इसके अंदर जितनी भी हर्ब है, जितनी भी वेजिटेबल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हर एक वेजिटेबल कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए अलग से काम है। हालांकि इंडिविजुअल रेसिपी हम जब बात करेंगे तो इंडिविजुअल सब्जी, एक एक सब्जी वायु करने वाली है तो वायु के रोग कर सकती है, लेकिन साथ में वही रेसिपी जब मिक्स करके आती है, तेल डाला गया है, लहसुन डाला गया है, तो वो डाइजेशन को ठीक करती है, अग्नि को बढ़ाती है, वायु के रोगों को कम करती है और इसके अंदर की जो बताई गई जो पापड़ी वालोर जैसी जो सब्जियां हैं
वो तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को भी कम करने वाली है। तो आयुर्वेद में जब ये सब बातें डिस्कस होती है कि हमारे इंडियन मेन्यू कुकिंग की बात है, तो कुकिंग तो आयुर्वेद के जमाने में भी था। पाव प्रकाश नाम के जो अगर पुस्तक आपके हाथ में आ जाए तो उसमें आपको 2000 साल 3000 साल पहले भी कैसे वानगियां बनाई जाती थी वो भी आपको जानने को मिलेगा, और क्यों आपने किस रेसिपी में कोई एक कंटेंट लिया है तो क्यों लिया, उसके पीछे क्या रीजन था, वो सब बातें आपको आयुर्वेद के टेक्स्ट में से भी मिलती है। ये जब बात करते हैं पर्टिकुलरली मानसून की सीजन में, जैसे सब्जियां का मना कर दिया, जैन धर्म में भी बताया गया है कि सब्जियां मानसून में नहीं खाते, उसके सामने इन्होंने द्विदल जिसको लेंटिल्स बोलते हैं कठोर बोलते हैं वो ज़्यादा यूज करने को बोला है, तो मूंग के अलावा ज़्यादा ऐसे द्विदल खाने का भी मना आयुर्वेद करता है। हालांकि वो भी वायु करने वाले हैं, तो आप चने लो राजमा लो जितने भी ऐसे कठोर है वो अगर आप लेते हैं तो वो भी वायु करने वाले हैं। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आप इस सीजन में खा रहे हैं तो इसमें भी दो चीज़ होनी चाहिए, लहसुन होना चाहिए और तेल का ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए। तो ये अपनी तासीर के अनुसार, अपने फैमिली मेंबर की तासीर के अनुसार आप जब भी रेसिपी बनाते हैं तो मानसून में ये ध्यान रखिएगा कि वायु बढ़ाने वाली सब्जियाँ या तो वायु बढ़ाने वाले द्विदल कठोर इसको कैसे बनाना है वो आपको मालूम होना चाहिए। है ना इंटरेस्टिंग? तो फिर मिलेंगे, जरूर, नमस्ते।